नमस्कार दोस्तों, एटी ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो हम तैयारी कल की करेंगे कि तैयारी कल क्या हो। कल निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, तो कल ट्रेडिंग क्या हो, क्या हमारी साइकोलॉजी होगी ट्रेडिंग करने की, क्या हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, तैयारी कल की आप वीडियो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं आपको कल ही बता के चल रहा था, ये लेवल 21,677 का लेवल, जब नीचे को अपन नीचे को चल दिया है ये, और ये अब हमें 21,500 के टच के आसपास हम देखेंगे। तो हमारे ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे छोटे मोटे एक्टिव होने चाहिए बायर, कल मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद नीचे को ब्रेक करे, ये वाला लेवल काटे, तो हमारे टारगेट निकल के ये आएंगे। पहला टारगेट ये होगा, छोटे छोटे टारगेट लेंगे दोस्तों, और बड़ा टारगेट जो हमारा निकल का आएगा 21,000 का, ये आएगा 21,050 का आएगा, ठीक है। हमारा नीचे की तरफ को निफ्टी में टारगेट आएगा। हम इसे 15 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हमारा क्या है ये। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है, तो इतना खास कुछ मूवमेंट नहीं मिला है। एज ए बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिली है अच्छी सी, तो वो चीज़ देखेंगे। कल हमारा मोटिव क्या था, कल हमने जो हमने कल वीडियो बनाई थी, कल हमने आपको मोटिव सारा बता दिया था कि ये जो ट्रेड लाइन निकल कर आ रही थी ना, ये इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होने के बाद जब इसे ब्रेक करें ना, तो एक नीचे की तरफ को टारगेट मिलेंगे। तो मगर आज मार्केट में हुआ क्या, और ये भी बता दी थी, अगर कल एक ही कैंडल बड़ी सी बनकर नीचे आ गई, और उसके बाद में निकलने के बाद जब अगर बन जाती है नीचे की तरफ को, तो हम प्रोजेक्शन फॉलो करेंगे कि होता क्या है मार्केट में, वो चीज़ देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, मार्केट में क्या करा, एक बड़ी सी कैंडल बनाई और उसके बाद नीचे को निकल गई। नीचे को निकलने के बाद उसके बाद एक जो ये ब्रेक करी ना, तो हमारा मोटिव क्या आ गया था, ये टारगेट आने चाहिए थे फिर हमारे निकल के। मगर उससे पहले हमारे पहला टारगेट जो क्या निकल का आता, ये आता निकल के, इसका लो निकल का आता, तो इसी के आसपास जाकर मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया। यहीं बीच में जाकर मार्केट को साइडवेज पूरे दिन फंसा हमारा आज मार्केट को, इसी में प्रीमियम गले गए। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इसके ऊपर के कॉल शॉर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। ये ऊपर के पोजीशन शॉर्ट की जाएगी, नीचे की पोजीशन शॉर्ट की जाएगी, इसी बीच में मार्केट रहने वाली है। तो ये जो आपको 150 पॉइंटों का बीच का मूव दिखाई दे रहा है ना, ये इसी बीच को शॉर्ट करके इसी में मार्केट को प्रीमियम गला दिए गए। अब कल मार्केट में क्या हो, कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप और ओपन हो जाए, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद मार्केट निफ्टी ओपन हो, इसी दौरान इसी बीच में ओपन हो, बड़ी सी कैंडल बन जाए, और ओपन होने के बाद जो दो कैंडल यहाँ ब्रेक रुक जाए, और चौथी कैंडल इसके नीचे ब्रेक करे ना, तो एक अच्छा टारगेट नीचे की तरफ को मिलेगा, जो अच्छा लेवल अच्छा में मूवमेंट दिखाई देगा नीचे की तरफ को। अगर कल फिर कल ओपन होने के बाद और कल ही इसी बीच में मार्केट फंस जाती है, तो एक छोटा सा प्रोजेक्शन फॉलो करेंगे, ऐसे निकल कर आएगी जो, और ये निकल कर पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, छोटे छोटे स्कैल्पिंग तौर पर हम ये चीज़ देखेंगे दोस्तों। तो अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन नीचे ओपन हो, नीचे हो जाती है, और उसके बाद थोड़ा सा प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे, देखते हैं कि मार्केट में होता क्या है, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या है, डे चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया है आज, मगर हाँ एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तहत और छोटे छोटे कैंडल स्टिक के तहत हमें ट्रेड जरूर दी है। तो मार्केट में अब बैंक निफ्टी में अब क्या होना है, बैंक निफ्टी में कल हमने बता दिया था आपको कि जो मार्केट में अब थोड़ा सा जो होगा वो इसी के नीचे होगा, इसी के नीचे। अब मार्केट ने बिना समझे सोचे समझे ही कि कैंडल सुबह बड़ी सी बना दी, बड़ी बनाने के बाद हम सोचे अब इसके नीचे निकल जाए, बस एक बार वापिस ऊपर की तरफ को निकलने के बाद जब निकाली है, क्या शॉर्ट ली थी पोजिशन, एक एक छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड ली थी, यहाँ तक के टारगेट लेके बैठते, मगर शुरू में ही ऐसा लग गया, ठीक है। मार्केट फिर इसी बीच में ट्रेड करने लगी, मोटिव नहीं आ रहा था कि कोई ट्रेड ली जाए, मगर हम इंतजार कर रहे थे या तो इसी के आसपास चली जाए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, तो इसके ऊपर जाना, लोगों के असल बड़े मजबूत लगे हुए हैं यहाँ पर, इसके ऊपर जाना बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमें देखना क्या था, अब इसके नीचे हमें इसके नीचे देखना क्या था कि यहाँ जो लोग बागों के असल लगे हुए ना, देखो यहाँ असल लगे होंगे, यहाँ असल लगे होंगे, यहाँ असल लगे होंगे, यहाँ असल लगे होंगे, अगर ऊपर की तरफ को कटेगा तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, मगर पोजीशन बचा ली जाएगी ऊपर की तरफ को। मगर क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल देख रहा था मैं, अब ये नेगेटिव कैंडल आपको ऐसे नहीं दिख रही होगी, आप जाओ ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे एक बार, ये शूटिंग स्टार टाइप में कैंडल बनी थी, एक शूटिंग स्टार बनी, और इसके बाद जब निकला तो ये पोजिशन अपनी बन गई, एक ये पोजीशन बनी है छोटी सी हमारी, ठीक है। और दूसरा एक एक छोटी सी एक पोजीशन इस पे हैमर पर ली गई थी, इसके बाद ली गई थी,
मगर एक छोटी सी क्वांटिटी के तहत जब ऊपर की तरफ को टारगेट निकला, पहली कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनी अपने पोजीशन हल्की कर दी गई, क्योंकि ये मार्क, ये जो एरिया है ये साइडवेज एरिया है, इसके अंदर कोई बड़ा मूव नहीं मिल सकता दोस्तों। तो कल मार्केट में बैंक निफ्टी में कल ओपन हो या तो इसी बीच में ओपन हो तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा इसी बीच में। अगर थोड़ा स्कैल्पिंग करेंगे तो बड़ी कैंडल स्टिक के तहत बड़े हिसाब से देख के करेंगे। ऊपर की तरफ को मैं बड़े अभी ट्रेड नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो पोजीशन ऊपर की तरफ को मैं छोड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऊपर की तरफ को ट्रेड मिल जाए मुझे। तो नीचे की तरफ को मुझे अगर मिलता है, मुझे इसके नीचे ब्रेक करता हुआ मिलता है ना, अब इसके नीचे मुझे ब्रेक करता हुआ मिलता है तो मैं तभी नीचे की तरफ को ट्रेड लूंगा। ऊपर की तरफ को ट्रेड लेने का मकसद तो बस थोड़ा रिस्की सा लग रहा है, मगर फिर भी हम जाएंगे तो इसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर, इससे ऊपर जाएंगे, यहाँ से 47,900 के ऊपर की तरफ को निकलेंगे तो हम ऊपर की तरफ को देखेंगे, वरना इसी बीच में कोई ट्रेड नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही हमारी एक मोटिव रहेगा। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नीचे की तरफ मिल जाता है तो, और ये लेवल काटती है तो नीचे की तरफ को ट्रेड लेंगे, वरना इसी बीच में साइडवेज रहेगी मार्केट, इसी बीच में कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हम दोस्तों। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप देखो ना, ये चीज़ देख रहे हो आप, इसमें प्रीमियम गलाए गए हैं, बड़ा मोटिव, बड़ा पैसा किसी को मतलब दिया नहीं गया। ये था जो स्कैल्पिंग के तौर, ये जो लेवल था, ये निकला, ये जो निकल कर आ रहे थे ना, ये चीज़ तो थी, दो ट्रेड, बाकी कोई ट्रेड नहीं थी मार्केट में। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें, और वीडियो आपको कैसी लगती है तैयारी कल की ये जरूर आपको कमेंट में जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसी लगती है तैयारी कल की। तो ठीक है दोस्तों, आपको आज मैंने कल मैंने एक इंडिकेटर की वीडियो अपलोड की थी जो बोलिंजर बैंड के ऊपर थी, और आज RSI और MACD के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, जाके उसे जरूर देख लें जो इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस पर कल स्टिक के तहत वीडियो, अगर ये चीज़ नहीं आती है समझ में तो आप इंडिकेटर के तहत भी ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।